हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज स्पेशल वीडियो लेके आए सोडा फाउंटेन मशीन, जिसको आप रिटेल काउंटर है, अपना शॉप है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, कहीं पे भी लगा के रोजाना 8 से 10 हज़ार रुपये का इनकम कर सकते हो दोस्तों ये बिजनेस करके। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए दोस्तों। पूरी ऑटोमेटिक मशीन है, 2021 की सबसे लेटेस्ट फंक्शन वाली मशीन है और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलने वाली बिजनेस है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली मशीन है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप जरूर देखिए, जिसमें आपको डिटेल्स मिले कि कैसे मशीन चलती है, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे इसका मेंटेनेंस है, सब चीज़ की आपको वीडियो के अंदर हम जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। सबसे पहले दोस्तों, आप ये बिजनेस आपका अगर कोई रेगुलर बिजनेस है, जैसे कोई किराने का शॉप है या कोई आपका छोटा मॉल है या कटलरी का शॉप है, तो कहीं पे भी आप छोटा सा स्पेस लगा के ये मशीन रख सकते हो दोस्तों। और मैक्सिमम इसके अंदर 80% का प्रॉफिट है दोस्तों, 80% का प्रॉफिट है दोस्तों। ये बिजनेस सॉफ्ट ड्रिंक का है दोस्तों, जैसे आप बाजार में थम्सअप, कोका कोला, पेप्सी उस टाइप का ड्रिंक पीते होगे दोस्तों बाजार में, जो 15 रुपए का बोतल, 20 रुपए का बोतल, 10 रुपए का बोतल ऐसे लेके पीते होगे दोस्तों। तो ये चीज आप एकदम फ्रेश और क्लीन और फ्रेश और ताज़ा आइटम लोगों को, कस्टमर को अपने एरिया में, अपने मार्केट में आप इस टाइप का सोडा पिला सकते हो दोस्तों। इसके अंदर आप दोस्तों रिटेल काउंटर बिजनेस कर सकते हो ये मशीन के अंदर। वो अभी ये मशीन हमारे कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, जिनकी मशीन हमने कंप्लीट कर दी है दोस्तों, और ये मशीन की डेमो ले रहे हैं। इसके अंदर से ठंडा करके, सोडा डाल के, फ्लेवर लगा के, सब निकाल के दोस्तों हम आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इसकी कॉस्टिंग की बात कर दूं कि एक ग्लास कितने का कॉस्टिंग गिरता है और मार्केट में कितने में सेल होता है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, जो है 200 ml का ग्लास लेता है, 200 ml का डिस्पोजल ग्लास लेता है, इसको बनाने का खर्चा आपको 1.60 रुपए का पड़ता है दोस्तों। मार्केट में कम से कम 10 रुपए में बिकता है, कई एरिया स्मॉल एरिया रहता है, मार्केट कम रहता है, तो 8 रुपए में भी बेच सकते हो। अगर आप इसको 5 रुपए में बेचते हो दोस्तों, तो एक ग्लास पे आपको कम से कम 3.5 रुपए का नेट प्रॉफिट मिलता है ये बिजनेस करके। मशीन की कैपेसिटी है दोस्तों, रोजाना 2200 ग्लास तक आप मशीन के अंदर से सोडा निकाल सकते हो दोस्तों, इतनी मशीन की ये मशीन की कैपेसिटी है। इसके अंदर से दोस्तों आप अलग अलग 8 तरीके का वेरायटी निकाल सकते हो, जैसे कि कोला है, स्प्राइट है, स्ट्रॉबेरी है, ऑरेंज, फ्रूट बियर, लेमन, जीरा मसाला, लीची, एप्पल, ब्लूबेरी, ब्लैक करंट, विस्की, वोडका, रम, कोई भी फ्लेवर, नॉन अल्कोहलिक, फ्रेश और क्लीन आइटम इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे दो हेड दिया गया है, जिसके अंदर से आप जूस निकाल सकते हो दोस्तों। जूस मानी मैंगो है, माजा है, फ्रूटी है, नींबू पानी है, गुलाब पानी है, ठंडा पानी है, नारियल पानी है, कोई भी आइटम दो आइटम में से निकाल सकते हो, जिसके अंदर से गैस नहीं आता दोस्तों, स्ट्रांग नहीं रहता है। ये 6 आइटम स्ट्रांग रहेगी जिसके अंदर से गैस निकलेगा, और 2 आइटम रहेगी जूस वाली रहेगी। दूसरी दोस्तों, ये मशीन की खासियत ये है कि अगर आपको ये बिजनेस करना है और किसी आदमी को, किसी लड़के को रेंट पे आपको या पगार देके किसी को बिठाना है दोस्तों, तो ये बिजनेस के अंदर आप पहले काउंट नहीं कर पाते थे कि पूरे दिन में कितने ग्लास बिके हैं आपके। पूरे दिन में आपके 1500 ग्लास बिकते थे, तो आदमी आपको बोले 1200 ग्लास बिके हैं, 1100 ग्लास बिके हैं, तो आपको 300-400 ग्लास का हिसाब मिलाना मुश्किल हो जाता था इसके अंदर से दोस्तों। तो इसके लिए अभी हमने इसके अंदर डिजिटल काउंटिंग सिस्टम डाला हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल काउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर से आपको कितना फ्लेवर का, कितना एमएल का, कौन सा ग्लास निकला है दोस्तों, जैसे कि कोला कितना निकला है, स्प्राइट कितना, स्ट्रॉबेरी कितना, ऑरेंज कितना, फ्रूट बियर कितना, लेमन कितना, और 200 एमएल का कितना, 250 एमएल का कितना, और 300 एमएल का कितना, ये तीनों तीन ग्लास के काउंट हो गए। अगर आपको 200 एमएल को अपने रेट अलग अलग रखा है, जैसे कि आप 200 एमएल 5 रुपए में देते हो, 250 एमएल 7 रुपए या 8 रुपए में देते हो, या 300 एमएल 10 रुपए में देते हो, तो तीनों तीन साइज का इसके अंदर काउंट गिना जाएगा दोस्तों इसके अंदर से। तीसरे नंबर में दोस्तों, यहाँ पे डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल है, अभी 16 नंबर का टेम्परेचर है इसका दोस्तों। जैसे आपको मौसम के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो, जैसे ठंडियों के मौसम में लोग ठंडा कम पीते हो, तो गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा ठंडा चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली सेट करके इसको 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर या माइनस में भी ले जा सकते हो दोस्तों, -1, -2, -5, -10, आपको कितना ठंडा करना है वो डिपेंड आप पे करता है कि कितना आपको चिल आपके कस्टमर को देना है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो। प्लस हमने लेंसर कंपनी के वाल्स लगाए दोस्तों, मेक्सिको के वाल्स है लेंसर कंपनी के, जिसके अंदर से आपको स्वीटनेस कम ज्यादा भी हर एक ग्लास पे आप सेट कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपने एक बार स्वीटनेस सेट कर लिया, लेकिन अगर कोई कस्टमर को स्वीट ज्यादा पीना है, किसी को स्वीट कम पीना है, तो अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई यहाँ से सेट कर सकते हो, हर एक ग्लास पे आप डिफरेंट सेट कर सकते हो।
तीसरे नंबर में दोस्तों हमने इसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम लगाया वो इमर्सन कंपनी का पावर सेवर कूलिंग कंप्रेसर लगाया दोस्तों। इसमें इमर्सन में दो तीन अलग अलग मॉडल्स आते हैं जिसमें एक रेगुलर कंप्रेसर आता है, एक पावर सेवर। हमने इसके अंदर पावर सेवर कूलिंग कंप्रेसर लगाया। अगर आप पूरा दिन भी बिजनेस करते हो, मशीन में से 2200 ग्लास सोडा निकाल लेते हो, फिर भी दोस्तों मशीन 8 से 10 यूनिट तक की पावर खाती है। लेकिन अगर आप इसके अंदर से क्वांटिटी कम सेल करो, जैसे आपने 1000 ग्लास ही बेचा है, तो 3 से 4 यूनिट पावर खाएगी। जितना आप बिजनेस करेंगे उतना ही मशीन पावर खाएगी, पूरी मशीन ऑटोमेटिक है। अगर आप बिजनेस करेंगे कोई इसका कंप्रेसर चलेगा, अगर आप बिजनेस नहीं करेंगे तो कंप्रेसर नहीं चलेगा दोस्तों इसका, ठीक है। और मशीन पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई है, आप देख सकते हो दोस्तों चारों साइड का इसका लुक देख सकते हो, सब जगह का पूरी स्टील से बनाई है। और कस्टमर ने जो डिजाइन बोला था ब्लू कलर का स्टिकरिंग डिजाइन, जो नंबर कस्टमर ने बोला था नंबर लगा दिया हमने इसके अंदर। प्लस यहाँ पे इसके अंदर इनबिल्ट वाटर टैंक है, पानी का टैंक मशीन के साथ इनबिल्ट है। साइड में देखा नहीं हेले, आप देख सकते हो पूरा वन सेटअप मशीन है। कोई भी चीज बाहर नहीं रखना है आपको, खाली CO2 बोतल बाहर रहेगा, लेकिन बाकी इसका जो बाउल से फ्लेवर के टैंक है वो सब चीज इसके स्टैंड के अंदर फिटअप हो जाएगी। जैसे कि ऑलरेडी हमने इसके अंदर दो फ्लेवर लगाया है, एक जीरा मसाला एक ऑरेंज, जिसकी टैंक अंदर लगी हुई है ऑलरेडी, आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो दो टैंक हमने इसमें लगाई है। यहाँ पे एक टैंक लगी है और एक यहाँ पे लगी है, दो टैंक ऑलरेडी हमने फिल अप करके रखी है इसके अंदर आपको दिखाने के लिए कि कैसा सोडा निकलता है, कैसा क्वालिटी निकलता है। और हर एक टैंक के ऊपर उसका नाम रहेगा जो आप फ्लेवर डाले, कोला है, कोई कस्टमर स्प्राइट डालेगा तो उसका स्प्राइट है, कस्टमर ने हमको बोला था स्प्राइट कोला, जो जो फ्लेवर बोला था हमने इसका स्टिकरिंग भी पूरा कवरिंग कर दिया इसके अंदर। चलिए दोस्तों मैं आपको अभी इसमें से ग्लास निकाल के बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे काउंट दिखाऊंगा ई और एफ, आप देख सकते हो ई का 34 है और एफ का 49 है। इसमें ई में 34 है और एफ में आप देख सकते हो 49 है, इतना ग्लास अभी ई और एफ में से निकला है इसके अंदर से। अभी हम इसके से सोडा निकालेंगे, सबसे पहले जीरा मसाला निकालेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना फॉर्म भी आ रहा है सोडा में, आप देख सकते हो कितना बबल्स आ रहा है सोडा में। अभी हम इसका जैसे ही निकालेंगे इसका साइरन बजेगा, काउंट होगा 200 में निकल जाएगा, साइरन होगा। जब देखो अभी ग्लास पूरा भरा नहीं है, काउंट बज चुका है, यहाँ पे चेंज हो चुका है, 50 हो चुका है। देखिए ये एफ का बटन है, वहां पे 550 दिख रहा है आपको, देखिए देखा रहो कुनिया बोलो 50 क्या आवे से हमारा, हाँ 50 दिख रहा है देखो इसके अंदर। अभी वही तरह हम इसका ऑरेंज का निकालेंगे फ्लेवर, आप देख सकते हैं ये ऑरेंज का बेहतरीन क्वालिटी का फ्लेवर से, अभी आप देखिए अकाउंट हो चुका है, इसका बटन साइरन बज चुका है। अभी यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाएंगे, वहां पे 35 हो चुका है, 34 था पहले अभी 35 हो चुका है, देखिए 35 हो चुका है इसके अंदर। अभी हम इसमें से प्लेन सोडा भी निकालेंगे दोस्तों, सादा और किनली टाइप का प्लेन सोडा निकालेंगे। और इस काउंटिंग की खासियत क्या है दोस्तों कि आप अगर इसने एक बार अगर बटन दबाया आपने तो काउंट नहीं होगा, दो बार दबाया काउंट नहीं होगा, बटन के ऊपर काउंट नहीं है, ML के ऊपर है। अगर 200 ML निकला तो ही काउंट होगा। बहुत सारी मशीन में क्या होता है एक बार आपने बटन दबा दिया इसलिए काउंट उसमें गिर जाएगा, लेकिन आपका ग्लास तो इतना ही भरा है फिर भी काउंट किया, दोबारा किया तो दूसरा काउंट गिरेगा, तीसरी बार किया तो तीसरा है। तो ये मशीन में वो चीज नहीं है, ये सिस्टम में आपने 200 ML निकालेंगे तभी इसका साइरन बजेगा और काउंट होगा। जैसे अभी आधा ग्लास है भी हम पूरा भरेंगे, इसको हो गया पूरा ग्लास भरा, काउंट हो गया इसके अंदर, साइरन बज चुका है इसका, वही हिसाब से वो हम फ्लेवर निकाल के आपको बताएंगे। आप उसको चाहे एक शॉट में निकालो या 10 शॉट में निकालो, जब तक उसका 200 ML पूरा नहीं होगा तब तक इसमें काउंट चेंज नहीं होगा दोस्तों, 100% सक्सेसफुल काउंट है इसका दोस्तों। ये जीरा मसाला दोबारा बार निकल गया, दूसरी बार इसका फॉर्म आ रहा है, इसलिए अपने वो कई ग्लास में फॉर्म आते हैं, इसलिए 2-3 शॉट में सोडा निकलता है, एक शॉट के अंदर सोडा नहीं निकलता क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग और पावर वाला सोडा रहता है तो इसके अंदर फॉर्म आता है। अब देखिए काउंट हो चुका है, आप देख सकते हैं
और इसके अंदर अगर आप अपना सिम कार्ड लगाएंगे, मोबाइल का जो सिम कार्ड जियो का एयरटेल का कोई भी सिम कार्ड ही लगाएंगे, तो आप अगर डेली अपने शॉप पे नहीं जाना चाहते हैं दोस्तों, तो रोज जैसे भी मशीन का स्विच बंद होगा, ऑफ होगा, ऑटोमेटिक अपने मोबाइल आपके मोबाइल पे उसका डिटेल्स आ जाएगा कि आज के दिन पूरा कितना बिजनेस हुआ है, कौन सा ग्लास कितना बिका है आपके मशीन में से, क्या सेल हुआ है, सब चीज आपको आपके मोबाइल के ऊपर SMS आ जाएगा दोस्तों। प्लस हमने डेकोरेशन के लिए, नाइट डेकोरेशन के लिए हमने यहाँ पे पूरा डॉल्फिन का लाइट वाला लोगो है, इसके अंदर पूरा लाइट जलेगा दोस्तों। और यहाँ पे जो अलग अलग कलर का सोडा सॉप है, इसके अंदर भी पूरा लाइट जलेगा। यहाँ पे इसका स्विच है, जब आपको रात के टाइम के 6-7 बजे के टाइम जब अंधेरा स्टार्ट होता है, तब आप इसको स्टार्ट करके ये लाइट चालू कर सकते हो, अपने शॉप का डेकोरेटिंग कर सकते हो दोस्तों। इसके अंदर सर देखिए, इससे स्विच बंद करने से ये चीज बंद हो जाएगा दोस्तों, ये बंद हो गया। मशीन के साथ दोस्तों पूरा पैकेज देते हैं, कोई भी चीज आपको अलग लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे कि कंप्लीट मशीन, उसका स्टैंड, पूरी मशीन की स्टिकर आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। मशीन के साथ CO2 गैस का बोतल, 10,000 ग्लास का फ्लेवर, पूरी मशीन की वुडन बॉक्स में पैकिंग, मशीन के साथ उसका एसेसरी स्पेयर पार्ट का किट, इमरजेंसी स्पेयर पार्ट किट साथ में देते हैं दोस्तों। मशीन की ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी, आप कोई भी लोकेशन पे वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फ्री है ऑल ओवर इंडिया तक। मशीन की इंस्टॉलेशन और ट्रेनिंग आपके शहर तक, आपके वहां तक इंस्टॉलेशन के लिए पूरी टीम आएगी, आपके वहां 2 दिन रुकेगी दोस्तों। आपको कैसे फ्लेवर बनाना है, कैसे मशीन चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है, हर एक जानकारी आपके वहां 2 दिन रुक के हमारी टीम आपको देंगे। मशीन के साथ ये सब फ्लेवर्स आपको 10,000 ग्लास के साथ में मिलेंगे। इसके अंदर से आपको 8 से 10,000 ग्लास फ्लेवर बनता है। जैसे मैंगो का फ्लेवर है, मैंगो माजा का फ्लेवर है, जो जूस रहता है फ्रूटी है, उस टाइप का फ्रूटी बनता है इसके अंदर। वही हिसाब से आप कोला का फ्लेवर, तो कोला का है, जीरा मसाला तो जीरा मसाला का फ्लेवर। तो मशीन के साथ पूरा पैकेज देते हैं। जब मशीन आपके वहाँ आएगी तो आपको कोई भी चीज अलग से लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों। ये मशीन के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं, जैसे ये 8 फ्लेवर की है, फिर 10 फ्लेवर, 12 फ्लेवर, 15 फ्लेवर, 20 फ्लेवर, 30 फ्लेवर, 40 फ्लेवर तक हम मशीन बनाते हैं। मैक्सिमम बड़ी यहाँ से लेके इतनी बड़ी तक मशीन हम बनाते हैं, 40 फ्लेवर तक की मशीन बनाते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम गाड़ी में रखने वाली भी मशीन बनाते हैं, जैसे आपको ओमिनी है गाड़ी, टाटा एस है छोटा आती है, वो गाड़ी में रखनी है तो वो मशीन भी हम बनाते हैं दोस्तों। तो आप कोई भी मूवमेंट वाला अगर बिजनेस करना है तो भी आप कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई किराने का दुकान है, कोई जनरल स्टोर है दोस्तों, जहाँ पे आपके पास छोटा स्पेस पड़ा है, तो आप ये मशीन लगा के अपना एक रोजाना इरन कर सकते हो दोस्तों, रोजाना बिक्री कर सकते हो। और क्वालिटी और टेस्ट की हम गारंटी देते हैं कि आप जैसा टेस्ट मांगेंगे, जैसा क्वालिटी मांगेंगे, हम आपको बना के देंगे। कंपनी का फेंटा जो रहता है वैसा ऑरेंज आपको टेस्ट किया हम बना के देंगे आपको। जीरा मसाला बेस्ट क्वालिटी का चाहिए तो बना के देंगे आपको। जैसा भी आप टेस्ट बोलेंगे वैसा आपके शहर, आपके मार्केट के हिसाब से हम आपको टेस्ट मॉडिफाई और मैच करके देंगे दोस्तों। इसके अंदर जैसे एक हमारे औरंगाबाद के कस्टमर है, उसकी देखो 12 फ्लेवर की मशीन बनी है, इसकी बॉडी बनी है, 12 फ्लेवर की मशीन है। हमारे औरंगाबाद से कस्टमर को हमको ऑर्डर मिला है, इनकी पूरी मशीन बनी है। फिर अब आपको मशीन, इसकी इनबिल्ट वाटर टैंक है, वाइट है, वाइट आप देख सकते हो, पूरी स्टील के ऊपर कहीं पे भी लोहा या MS हमने यूज नहीं किया है दोस्तों। फिर इसका वाटर टैंक आप देख सकते हैं, इसके अंदर 2 टैंक आता है, डबल टैंक की मशीन है। टॉप का डिबल, इसका ढक्कन ओपन कर दिया, ओनली मशीन है। इसके अंदर पूरा असेंबलिंग होगा, कंप्रेसर है, उसका सिस्टम फिट होगा। ये डबल टैंक है इसके अंदर दोस्तों, आप देख सकते हैं। काटी कट, ये एक टैंक यहाँ पे, एक टैंक दूसरा है यहाँ पे। चिलिंग, ऑनलाइन चिलिंग वाटर ओनली होगा इसके अंदर। ये टैंक के अंदर ओनली पानी ठंडा होगा, चिलिंग होगा, माइनस टेम्परेचर होगा। इसमें स्टील की पाइपें वाइपें सब लगी होगी, और ये टैंक के अंदर ओनली पानी होगा। ये टैंक के अंदर ओनली पानी होगा, इसके अंदर ना कोई डस्ट होगा ना कुछ होगा। अगर ये पानी के अंदर कुछ भी पाइप या कुछ लगाते हैं तो उससे दोस्तों पॉइजन होता है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं बनता है। और इसलिए हमने दोनों अलग अलग सेपरेट टैंक दिया, ये अलग टैंक है, ये अलग टैंक है पूरा, ठीक है। और ये इसका ऊपर का ढक्कन है, इसके अंदर आप 60 लीटर पानी स्टोर कर सकते हो, और 20-20 लीटर का दो आरओ का बाउल इसके ऊपर उल्टा कर सकते हो दोस्तों इसके। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ये मशीन की बनाने वाला हूँ, बॉटलिंग प्लांट है, जिसके अंदर आप बॉटल पैकेजिंग का बिजनेस करके एक हफ्ते होलसेल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर सकते हो। इस टाइप का बॉटल आप बना सकते हो मशीन के अंदर। तो अगली वीडियो में ये मशीन की भी बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो
हमारी डॉल्फिन एप्लायंस की जरूर देखिए दोस्तों, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए नए बिजनेस है दोस्तों वो आपको जानने मिले। क्योंकि हम जो बिजनेस लेके आते हैं दोस्तों, मोर देन 80% प्रॉफिट रहता है हर एक बिजनेस के अंदर। तो दोस्तों हर एक वीडियो आप जरूर देखिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई दोस्तों तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मशीन की ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी आपको अगर चाहिए दोस्तों तो वीडियो के साइड में नीचे दो नंबर लिंक हो रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमने हमारी कंपनी का लोकेशन, हमारी कंपनी की वेबसाइट, हमारी कंपनी का एड्रेस और फोन नंबर, मोबाइल नंबर और मशीन की टोटली डिटेल जानकारी, वजन कितना है, साइज कितना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरी मशीन की माहिती देखिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।